जी सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का आपका। माय प्लेयर। बहुत ज्यादा आपसे अक्सर डिस्कस भी, मैंने आप देखा भी है कि फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि सर ये किस पर्सपेक्टिव में अलामा इकबाल ने शेर कहा था और इसका बैकग्राउंड क्या है, और रमजान भी है। ये तो स्ट्रेट कुरान से है कि अल्लाह करीम ने खुद कहा है कि मैंने बदर के मकाम पर फरिश्तों से मदद की। और फिर ये है कि अगर आप जाएं, अल्लाह करीम आपको लेकर जाए बदर के मकाम पर, तो वहां एक पूरा नक्शा बना हुआ है जंग का, जहां पे फरिश्तों की आमद का, कि फरिश्ते किस रास्ते से आए और कैसे मदद की। तो अलामा इकबाल ने बेसिकली जो पैगाम दिया है इसके अंदर के फजाए बदर पैदा कर, उसके लिए जरूरी है कि मुसलमान अपने आप को उस नहज पे ले जाएं, उस तरीके पे ले जाएं जो उन सहाबा कराम का तरीका था, कि उन्होंने अपनी जान को बिल्कुल पीछे कर लिया और जान जो है वो अल्लाह करीम के हवाले कर दी, और साथ ही रसूल पाक सल्लम पे फिदा होने का, हर किस्म का जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसका मुजाहरा किया। तो यानी यूमिनुना बिलगैब, और अमल अमल ऐसा कि जहां जहां कोई हुक्म आया उन्होंने फौरी तौर पे उस हुक्म को अपना लिया। तो फिर फरिश्ते भी मदद को आते हैं, फिर ये जो आंखों की कसाफत है ये भी उतरती है, फिर मस्जिद में बैठ के दूर जो है वो खलीफतुल मुस्लिमीन फरमाती है कि सारिया जबल की तरफ हो जाओ। तो ये फिजाए बदर पैदा करने का मतलब ये है कि उनके नक्शे कदम पर चलो तो रास्ते खुल जाएंगे, फरिश्ते भी आएंगे, नुसरत इलाही भी होगी और फलाह भी मिलेगी और फतवाहत भी अच्छा सर, बताइएगा कि जब ये कश्मीर का इशू था तो पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के ऑडिटोरियम में आपने एक तकरीर की थी और हवाले दिए थे गजवातुल हिंद की बात की थी, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा था कि अब आबाबिले नहीं आएंगी, तो वो क्या है सर, क्यों नहीं आएंगी आबाबिले? हाँ होगी। इससे ये जो पहला सवाल है इससे बिल्कुल ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जी कोई भी चीज करने के लिए आप पहले उसको अपना अहल साबित करते हैं। जब आप एक चीज के मुकल्लफ ही नहीं है, आप उसके अहल ही नहीं है, तो वो चीज कैसे आएगी? देखो ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बनने के लिए क्या है कि आपको इलेक्शन जीतना पड़ता है। अमेरिका के सदर बनने के लिए आपको इलेक्शन जीतना पड़ता है। तो पहले आप अपने आप को उस मकाम पर ले आइए कि उस मकाम पे सारी की सारी चीजें जो है वो आपके लिए ऐसे ही हो जाए जैसे आपसे पहले, और ये चूंकि चीजें सारी की सारी हुई हैं, अवाबीले पहले आई हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ हुआ है, बनी इसराइल का जो जिक्र है कुरान मजीद के अंदर, आप बार बार अल्लाह करीम उसको क्यों दोहराता है, वो नेमतें भी उसकी, कभी मन्नो सलवा उतारा, कभी पत्थर के अंदर से 12 चश्मे जारी कर दिए, कभी जो है वो दुश्मनों को मغلوب कर दिया, कभी फिरौनों को डुबो दिया। ये सारी चीजें हमें बताने के लिए कि ये इन नेमतों का जहूर तुम पर भी हो सकता है अगर तुम शुक्रगुजार हो जाओ और तुम जो है वो उस रास्ते पे चलो, वो जो रास्ता मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुम्हारे लिए स्पेसिफाई कर दिया है, सिराते मुस्तकीम, वो जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, गुमराहों के रास्ते पे मत चलो, वो जो मकलूब हुए उनके रास्ते पे मत चलो। तो फिर अबाबिलें भी आएंगी, और अबाबिलें फिर क्या, बदर में फरिश्ते आए लेकिन किया क्या, किया उन 113 ने जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, 8 तलवारें थी या 9 तलवारें थी, 70 जो है ना आर्शेज थे, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन क्या किया, मटेरियल एक ही था। देखिए ना, अगर शीबा उतबा और वलीद आए तो वो बाप चचा और बेटा है, और वो ही मटेरियल है जो कुरैश का, यहां से सैयदना अमीर हमजा गए, सैयदना अली मुर्तजा गए, सैयदना उबैदा इब्न हारिस आ गए, तो ये वही मटेरियल है। फर्क क्या था कुव्वत ईमानी का, उस जज्बे का, किस लिए मर रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं। जब ये होगा तो अब अबाबिले आए या ना आए, आप ही अल्लाह की अबाबिले हैं, आप खुद अबाबिले हैं अल्लाह की। मैंने कहा था अभी तो हमारे पर नहीं है, हमारी छूंछ नहीं है, हमारे जो है नाखून नहीं है, तो वो पार करने के लिए जरूरी है कि हम उस रास्ते के मुसाफिर हो जाएं, वो रास्ता जो अल्लाह करीम ने बहुत हजारों साल की मेहनत है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, और उस रास्ते को हमारे लिए जो है ना वो साफ किया, बतलाया, हर लम्हे रहनुमाई फरमाई, हर एक चीज जो है वो वक्त के साथ साथ आती गई, बतलाता गया, फिर दीन मुकम्मल किया। तो जरूरी ये है कि दुनिया के 186 करोड़ मुसलमान या जितने भी हैं वो उस रास्ते के आजिम हो जाएं, उस रास्ते के मुसाफिर हो जाएं,
तो नुसरत भी अपनी है, फतह भी अपनी है, फलाह भी अपनी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ने कहा तुम वो उम्मत हो, उम्मत है उस तो जो खैर की तरफ बुलाते हो, जो नेकी को कम देते हो, जो बुराई से रोकते हो। और अगर हम खुद बुराइयों में उलझ जाएं, नेकी से दूर हो जाएं, तो फिर नुसरत इज्जती कहाँ से आएगी हमारे पास। अच्छा सर, जिस तरह अगर जियो पोलिटिकल सूरत हाल की बात की जाए, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर की सूरत हाल बनी हुई है, उसके बाद इंडिया की सूरत हाल है, फिर अफगानिस्तान की आप सूरत हाल देख लें, अब चाइना और इंडिया का भी आपस में कोई सुपंग के बॉर्डर पर कसल हुई है, तो ऐसे में एक नुक्ता नजर हवाला बस भी ये कहते हैं कि जो गजवातुल हिंद है वो इस खत्ते में होना की बुनियाद रख दी गई है, तो इसमें थोड़ी सी ये कंफ्यूजन भी पाई जाती है हमारे जय्यद उलमा इकराम का इस हवाले से। ये मौकफ तो है, यानी सारे इस पर तो यकजा है कि ये अहादीस जो है वो मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि वो बुनियाद रख दी गई है जिस तरह की ये सूरत हाल बनी हुई है और काले झंडे वाले तैयार हैं कश्मीर के पर्सपेक्टिव में? अगर मैं तो बेटा ये कहूंगा कि ये बुनियाद उस दिन रख दी गई थी जिसको अलामा ने फरमाया है कि मीरे अरब को आती थी ठंडी हवा जहां से मेरा वतन रूही है, जब रसूल ठंडी हवाएं आती थी और गजवा हिंद पे चूंकि 5 अहादीस हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं, बुनियाद तो उस दिन रख दी गई थी। फिर मुसलमानों का ऐसे यहाँ पर आना ऐसे नहीं, ये दारुल कुफर था और इसकी तारीख बड़ी पुरानी है। यहाँ आके आज हम एक ऐसे मुल्क में बैठे हैं जो इस्लाम के नाम पर बना है, तो गजवा हिंद जो है वो होकर रहेगा। देखना ये है कि क्या उसके जो मारूजी हालात हैं वो ऐसे हो गए हैं, क्या चीजें ऐसे उस तरफ जा रही हैं, या हम भटक कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपने बात की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, तो मैं एक एक करके इन चीजों को लेता हूँ। कश्मीर, कश्मीर जो है ये मैंने किसी और प्रोग्राम में भी कहा कि बदकिस्मती है कि जन्नत नजीर ये इतना खूबसूरत खित्ता, लेकिन यहाँ के लोग बड़े मजलूम रहे। थोड़ा सा दरमियान में वक्फा आया जब 18वीं 19वीं सदी के अवायल में सिखों की हुकूमत वहां पर आई अंग्रेजों से आने से पहले, तो कुछ थोड़ा सा उन्हें पनपने का मौका मिला, वरना वो जलते रहे। अब इसमें हमारे लिए जो रिफ्लेक्शन की बात है, जो सोच की बात है कि 1948 में इंडिया गया यूएन की जनरल असेंबली में, जो 11 करारदादे हैं उन्होंने प्लेबिसाइट का मर्दमशुमारी का वादा किया, तो क्या मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन अपने आप से भी कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ, अपने मुआशरे से भी कर रहा हूँ, अपने साहबान इकदार से कर, क्या हमारा अंदरूनी निफाक जो है, जो इतिहाद की कमी है हमारी सफों के अंदर पॉलिटिकल लेवल पे रिलीजियस लेवल पे, क्या कहीं वो जो वजह नहीं बन गई कि दुश्मन ताकतवर होता गया, उसका स्टैंड सख्त होता गया, हम जो ऑफेंसिव थे, हम जो सही थे, हम कमजोर होते गए। तो कश्मीर का जो कुछ हुआ है उसमें नेचुरली आप बैन अल्कवामी इदारों को और कौमों को उससे मुबरा नहीं करार दे सकते, लेकिन कुछ कसूर हमारा भी है, और हमारा कसूर यह है कि हमने हमेशा जात का सोचा है। हमारे लीडराने कराम जो है उनकी सोच बड़ी महदूद रही है, कुर्सी को बचाने तक महदूद रही है। तो फौजी हुक्मरानों सब ने यह देखा है कि वो अपनी कुर्सी को बचाए रखे, कौम के अंदर इत्तेहाद या कौम बनाने की एक सही नहीं हुई। आज भी हम पंजाबी हैं, पठान हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैंने तुझे बांटा है कबीलों में पहचान के लिए, लेकिन हमारी पहचान तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जहां ये सूरह हिजरात वाला ने फरमाया कि तुम्हारा कलर क्रीड कोई नहीं है, मेरे नजदीक तो इकराम का हकदार वो है जो मुझसे ज्यादा हया करता है, जो तकवे वाला है। तो गालिबन ये कुछ हमारी भी कमजोरी है, और फिर मारूजी हालात में ऐसे होते गए, हम आलाकार बनते रहे, फिर वो एक टेररिज्म का एक जो है ना वो हवा खड़ा हो गया, और जब कभी हिंदुस्तान को मौका मिला तो उसने नजर बचा के कुछ ऐसी चीज कर ली। तो मेरे ख्याल में इन द फाइनल एनालिसिस जब कभी भी कश्मीर के एनालिसिस होंगे तो उसमें जो मेरे ख्याल में जो कमजोरी होगी, जो जो कसूर या जो गाइड किया जाएगा, जो खुद जुर्म आयद की जाएगी, उसमें हम बराबर के हिस्सेदार होंगे, और उसके साथ बैन अल-अक़वामी जो एफर्ट्स हैं वो भी बहुत कमजोर हैं, वादे मवायद पूरे नहीं किए गए। कश्मीर हुआ, फलस्तीन हुआ और इसी किस्म के जितने कजिए हैं,
एक बोझ है इंसानी जमीर के ऊपर, बैन अल्वामी जमीर के ऊपर, हिंदुस्तानी जमीर के ऊपर, पाकिस्तानी जमीर के ऊपर, एक दिन इसने हल होना है। लेकिन जब चीजें अल्लाह करीम अपने हाथ में ले लेता है तो फिर बहुत सारे लोगों को सुपरसीड कर देता है, वो बहुत सारे लोगों को साइड पे कर देता है, वो चीजें अपने हाथ में लेके फिर फिरौनों को डुबो देता है, फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम को तकवीत देता है, बनी इसराइल को तकवीत दे देता है, वो बदर के 313 को जो है वो फातह करार देता है, वो पूरी जो इस्लामी तारीख है आप देखें तो मुसलमान हमेशा कम रहे, लेकिन जहां अमल की फरावानी रही, जहां ईमान की फरावानी रही, फतह और नुसरत बनती रही। तो मेरे ख्याल में हमें अपना सा जो है वो सबाबील की तरह, वो जो 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 नमरूद की आग के ऊपर आई थी पानी का कतरा लेकर, हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, गरीबान में भी झांकना चाहिए, कहीं हमसे कोई डिसीजन मेकिंग में गलती तो नहीं हो रही, कहीं हमसे कोई कोई कोताही तो नहीं हो रही कि हम बेसिक अपने जाती निफाक में इतने ज्यादा जो है वो उलझ गए हैं, फंस गए हैं कि हमें जो बाहर की चीजें वो नजर नहीं आ रही। तो कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसने अल्टीमेटली हल होना है, और अल्लाह करे हल हो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। जहां तक बात अफगानिस्तान की है तो अफगानिस्तान की एक तारीख है, शोरशें अफगानिस्तान का हिस्सा रही है, हमलावर अफगानिस्तान से आते रहे, अफगानिस्तान जो है वो बहुत जला है पिछले 40 साल से, वहां स्टेबिलिटी इतनी आसान नहीं होगी। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि कम से कम 4 जनरेशन जो हैं वो जवान हो चुकी है सूरत हाल को देखते हुए, अंदरूनी खलफिशार और नफरतें बहुत ज्यादा हैं, उनको पाटने के लिए दीन बहुत काम कर सकता है, इस्लाम बहुत काम कर सकता है, मोहम्मद अरबी सल्लम की ज्यादा औकात बहुत काम कर सकती है, अगर हम उनका दामन थाम लें, इतफाक हो सकता है, एक हो मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए दिल से लेकर ताबहा के काश कर, तो ये करना होगा। अदरवाइज अफगानिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि इतनी जल्दी जाने के बाद मुमकिन है सूरत आल खाना जंग की तरफ पड़ जाए। इन्नल इंसान अली रब्बी लकनूद व इन्ना वला जालिक अल शहीद व इन्ना बिल खैर अल शहीद, हवस का मारा हुआ इंसान है, ना शुक्र है, हमेशा अपनी सोच सोचता है और फिर एक दिन अपनी जान जो है मौत के हवाले कर देता है। इसलिए ये सोचना पड़ेगा मेरे अफगानी भाइयों को भी और तमाम मुसलमानों को भी, वो दुनिया भर में सूरत हाल बन रही है, अरेबियन पेनिनसुला की जो सूरत हाल है, चाइना इंडिया की जो सूरत हाल है, तो नेचुरली जब भी आपकी तवक्कुआत जो है या जो आप करना चाहते हैं वो इतनी ज्यादा हो कि जिस पे आप मैयर ना कर सके तो आपके लिए मसाइल होते हैं। इंडिया ना सिर्फ ये है कि अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है बल्कि मनवाना चाहता है, और उसके लिए वो चाइना को भी और किसी और को भी, आजकल वो दस्तनगर बना हुआ है अमेरिका का, एक वक्त आएगा हो सकता है अमेरिका को भी आंखें दिखाए। तो इसलिए ये दुनिया को सोचना चाहिए कि हिटलर ने यही किया था जो आज इंडिया में हो रहा है, जो नफरतों की आग जलाई हुई है मोदी एंड कंपनी ने, उस आग में उनकी अकलियतें तो जल रही है, मुसलमान जल रहे हैं, दलित जल रहे हैं, ईसाई जल रहे हैं, बाकी लोग जल रहे हैं, लेकिन हिंदू भी जलेगा, क्योंकि हिंदुओं के अंदर जात पात बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण बहुत थोड़े हैं, काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इसलिए दुनिया को इस पर तवज्जो देना चाहिए। हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा तबका बोलता है, मैं उनको पढ़ता हूँ देखता हूँ, वो बोल रहे हैं पाकिस्तान को अपने दिफा पर हर हालत में किसी किस्म के जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, एक ऐसे दुश्मन से मुकाबला है वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, हमें उसके लिए हम वक्त तैयार हैं। सर, आप फतह मक्का के हवाले से अक्सर आपसे गुफ्तगू होती है तो आप अक्सर सफर का हवाला देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जब आपके पास ताकत आती है तो ठीक है उड़ा दो, तो गालबन वो मुसलमान जो जन्ने रहे हैं या इस्लाम जिस तरह से आया, तो एक प्रोपेगेंडा ये किया जाता है जी ये तलवार से पहले है, लेकिन आप सफर की तलकीन करते हैं कि सफर सबर सबर, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये एक मिथ है, तलवार से बिल्कुल नहीं फैला, लेकिन तलवार को एज ए लास्ट रिजॉर्ट जरूर इस्तेमाल किया गया जहां जरूरत पड़ी। इस दुनिया के अजीम तरीन फौजी कमांडर, ना उनसे पहले कोई ऐसा था ना बाद में कोई ऐसा आया, हजरत खालिद बिन वलीद, तो वो जब दुश्मन से मुकाबला होता था तो उन्हें एक खत लिखा करते थे और वो कहा करते थे के दीन की दावत देते थे, मुसलमान हो जाओ, इसमें तुम्हारी निजात है, दुनिया की भी और आखिरत की भी निजात है।
और अगर ये नहीं करता तो फिर टैक्स देना शुरू करो, हमारी अमान में आ जाओ, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी रहन सहन, तुम्हारे नान नफका, हर चीज, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा माल मालो जान, वो सब महफूज होगा। लेकिन अगर तुम ये भी नहीं करना चाहते हो, मुकाबला करना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरा ताल्लुक उस कौम से है जो मौत को इतना ही पसंद करती है जितना तुम जिंदगी को पसंद करते हो। तो आप देखिए ना, इस्लाम के जो जब गारे हिरा से उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया, तो क्या सूरत हाल थी? कभी गर्दन में कोई चादर डाल रहा है, कभी कोई ओजड़ी फेंक रहा है, कभी कांटे फेंक रहा है, छुप के इबादत हो रही है, छुप के दावत हो रही है। ये तो एक एजाज देना था अल्लाह ताला ने सैयदना उमर फारूक को कि वो आए, कलमा पढ़ा, दुआए मुरादे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो लोग बाहर निकले और फिर उन्होंने वो करना शुरू किया। लेकिन इसके बावजूद भी देखें हालात कैसे रहे कि अल्टीमेटली हिजरत पर मजबूर कर दिया। बड़ा मुश्किल है अपने घर का सामान छोड़ना, अपने अजीज व अकरबा को छोड़ना, बाहर जाना, वो कर दिया चूंकि ताकत नहीं थी। और आप देखिए दीन इस्लाम बड़ा प्रैक्टिकल दीन है, खुदकुशी इसलिए हराम है, ताकत नहीं थी। अल्लाह कुरान मजीद सूरह अनफाल में भी कहता है कि तैयारी करो, पहले तैयारी करो, अगर तुम तैयार हो गए तो खौफ लाहक होगा दुश्मनों को, तुम्हारे दुश्मनों को, अल्लाह के दुश्मनों को। और उसके लिए जो जंगी तैयारियां हैं, जो मुआशी तैयारियां हैं, जो इक्तसादी तैयारियां हैं, जो सिविक तैयारियां हैं, वो सब तैयारियां करो और फिर जब इस काबिल हो जाओ तो जंग की तरफ जाओ। जब मक्का में मुसलमान थे तो वो एक ऐसा तबका था जो नफरतों का निशाना था। दुश्मन ये समझते थे कि ये एक नई चीज लेकर आ गए हैं, इनको खत्म करना जरूरी है, और उसके लिए वो नहीं देखते थे कि ये अपना रिश्तेदार है या कोई पराया है या किसी और कबीले का है, हर कोई टारगेट था। लेकिन जब मदीना में मुसलमान पहुंचे तो रसूल पाक सल्लम ने एक ऐसी रियासत का कयाम जो है वजूद में लाया जिसमें ये था कि तुम यहूदी हो, ईसाई हो, बुत परस्त हो या मुसलमान हो, अपने तरीके से इबादत कर सकते हो, लेकिन मदीना के दिफा के लिए सब इकट्ठे होंगे। और फिर जब ताकत पकड़ी तो बदर, मेरे ख्याल में भी थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ लिखा है आज की सुबह के प्रोग्राम में कि बदर की जंग की अगर फतह ना होती तो आज मोहसिन आप और मैं बेटा शायद मुसलमान ना बैठे होते। तो फिर जब ताकत दी तो फिर तलवार उठाने को कहा और ये कहा कि जब जरूरत पड़े तो जान दी दी उसी की दी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, मरना तो है कुल्लू मन अलाफान, तो मरो तो शान से, जिंदा रहो तो इस्लाम पे और मरो तो ईमान से। इसलिए तलवार से नहीं फैला, उसने अखलाक से फैला है। ऐसे उसने अखलाक से फैला है कि जहां रसूल पाक सल्लम के गुलामों ने सदियों बाद घोड़े पेश किए, तबीब पेश किए दुश्मनों को, ऐसे नहीं हुआ। हाँ, जहां जरूरत पड़ी वहां पर, वरना अफ उधर गुजर, सुलो, दावत दीन, दावत दीन की दावत दी गई, बुलाया गया उखरवी निजात की तरफ। दीन की दावत क्या है? दुनिया की जिंदगी तो एक ऐसे एक स्पॉट है, एक डॉट है, एक फुल स्टॉप है, कितना सारा जगह है। उखरवी निजात की तरफ बुलाया सबको कि आओ। और जो अहले किताब थे उनके मुतल्लिक तो अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है कि ये इस नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। इसलिए ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। इस्लाम वो दीन है जो कहता है कि तुमने अगर एक इंसान को नाहक मार दिया तो तुमने पूरी इंसानियत को मार दिया। और सूरह निसा में अल्लाह करीम फरमाता है कि अगर एक मुसलमान ने एक मुसलमान को नाहक मार दिया तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। लिहाजा ये अमन कर, इस्लाम का मतलब ही अमन है, इस्लाम का मतलब ही पीस है, मोहब्बत है, मुआखात है, भाईचारा है, कुल्लो मुस्लिम इख्वतुन, सब भाई भाई है। और बाकियों के मुतल्लक भी जब ये कह दिया कि एक इंसान को नाहक मारा तो सारी इंसानियत को मार दिया, तो कम यही है। लेकिन जब कोई आप पर जंग ठोंस दे, आपको तैयारी रखनी चाहिए और फिर पूरी फोर्स से रिटेलिएट करना चाहिए अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के रसूल सल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए। लास्ट में ये बता दीजिएगा, ये जो हमारे मुल्क में मसलन हर 6 माह बाद, साल बाद या कोई हुकूमत चेंज होती है तो कानून में कोई ना कोई कादियानियों के हवाले से इशू उठना शुरू हो जाता है। पिछली हुकूमत में हमने ये देखा कि जो हलफनामे का कानून है उस हवाले से ये जसारत की गई। अब ये नई हुकूमत आई है तो गालबन इनकी ये तीसरी अटेम्प्ट है कि पहले हज का फॉर्म, अब ये मामला। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो शैतानी अनासर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक यही तो जज्बा है,
हम अलामा ने, हजरत अलामा ने बहुत खूबसूरत चीज फरमाई कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यानी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुसलमान अगर हुर्मत रसूल पाक सल्लम पे कॉम्प्रोमाइज करेगा तो मेरे ख्याल में मुसलमान रहेगा नहीं, वो नाम का मुसलमान होगा। उस सूरह हुजरात की उस आयत के मुताबिक कि ईमान इन्हें छू तक नहीं गुजरा, इन्होंने सिर्फ इस्लाम कबूल किया है, तो ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए। और हम मुसलमान हैं ही तब के मदीने वाले के गुलाम हैं, अगर उसकी उनकी गुलामी नहीं होगी तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। ये साजिशें करने वालों को भी सोचना चाहिए, इनको परवान चढ़ाने वालों को भी सोचना चाहिए, और हम मुसलमानों को भी सोचना चाहिए। कि मैंने सुबह भी एक मिसाल दी, अबू लहाब जो है वो सगा चचा था रसूल पाक सल्लम का, और आपकी पैदाश वाले दिन इतना खुश हुआ कि हजरत सोएबा जो उनकी लौंडी थी उनको गुलाम थी वो आजाद कर दिया, लेकिन बाद में नफरतें जब उसने फैलाई तो अल्लाह ने कयामत के दिन तक उसे मतून कर दिया, तब्बत यदा अबी लहाब खूब चाहे हाथ अबू लहाब के। इसी तरीके से आप एक और सूरत में पढ़ते हैं कि एक शख्स को सुअर की थूतनी वाला भी कहा और जनीम तक कह दिया कि जिसके वालिद का ही पता नहीं है, तो अल्लाह करीम हुर्मत रसूल पाक सल्लम पे, मैं इतना कहूंगा तमाम लोगों को जो मुसलमान हैं जो दम भरते हैं नबी पाक सल्लम की गुलामी का, उनको कहूंगा कि सूरह हुजरात की पहली आयत पढ़ें। उस महफिल में वो लोग जिनको खिताब करके उस वक्त कहा गया था, ये मेरे लिए भी खिताब है, आपके लिए भी है, सबके लिए, देखो वो लोग कौन थे, वो अशरे मुबशरा थे, वो अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक थे, उस्मान अली थे, अली मुर्तजा थे, और उन्हें कहा गया कि सबकत ना लो ना आवाज ऊंची करो, ऐसे ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुम्हें शऊर तक ना हो। हुसैन बेटा बात यह है कि अगर मुझे, मैं एक बात करता हूँ, मैं ज्यादती करता हूँ, तुम्हारे साथ कोई ऐसी सख्ती करता हूँ, अगर मेरे शऊर में मुझे एहसास है कि मैंने कर दी है, तो मैं अगर मुझ में अल्लाह ने अखलाक की जरूरत है तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, एटलीस्ट ये कह दूंगा हुसैन आई एम सॉरी, लेकिन एक चीज का मुझे शऊर ही नहीं, तो जिस दिन अलयौमा नख्तिमु अला अफवाहिम कयामत के रोज मेरे हाथ में मेरा अमाल आएंगे, जिस दिन उस दिन अगर वो चीज मुझे पता चलेगी तो फिर वहां तो अमल का दफ्तर बंद हो चुका होगा ना। जब उनके लिए वार्निंग आई तो ये सबके लिए वार्निंग है, हुर्मत रसूल पाक सल्लम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ इस्तगासा करा रहे हैं, FIR कटा रहे हैं, बड़े मर मिटे अबू जहल से लेकर अब तक कितने जिन्होंने कोशिश की उनकी शान में कदगन लगाने की, कोई नहीं, क्योंकि वरफा ना लगा जिक्र, उनकी शान कोई घटा सकता ही नहीं है, जिनकी शान को मेरा अल्लाह बढ़ाए उनको कौन घटा सकता है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ FIR कटाते हैं, एक चुड़े निकाल के कभी सिलेबस की किताब में तब्दीली कर दी, कभी किसी चीज में तब्दीली कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान की कमजोरी का इजहार करते हैं। और जो दूसरे हजरात हैं, मैंने पहले कहा सैयदना खालिद बिन वलीद जो मैसेज भेजा करते थे, वो अकलियत में है, उन्हें चाहिए कि वो तस्लीम करें कि उन्हें एक मुल्क के आइन ने और एक एक मुसलमा कानून है जो मुसलमा कजाब असमत अंसी के जमाने से शुरू हुआ। कि मैं एक सिंपल मिसाल दे के इस बात को खत्म करूंगा, लोग ढूंढते हैं कुरान के अंदर से तावीलें और कुरान के अंदर से ये कि जी यहाँ खत्म नबूवत का दिया हुआ है, मैं कहता हूँ अल्लाह की कौन सी मजबूरी थी कि सूरह बकरा के पहले रकू के अंदर ये तो कह दिया कि जो है ना वो गायब पे ईमान लाते हैं और फिर उस पे जो आप पर उतरा और जो आपसे पहले उतरा और फिर यौम आखिरत पे, और दरमियान में ये नहीं कहा कि किसी और पर भी उतारूंगा, इससे बड़ा खत्म नबूवत का और कौन सी दलील हो सकती है। अगर आपका कुरान पे यकीन है, कुरान के अल्लाह का कलाम होने पर यकीन है, तो बात शुरू के ही दो सफों में खत्म हो जाती है, ला नबी बादी कोई नहीं आने वाला, नबी आखर जमान वही हैं, अम्बिया के सैयद वही हैं, मुरसलीन के सैयद वही हैं, वही हैं जिनके अल्लाह करीम ने अहद लिया इनविजिबल वर्ल्ड में तमाम पैगंबरान इकराम से, वही हैं जिनकी मिलाद हर नबी ने मलाई, वही है जिनके लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाद आने वाला है इस मुआमत। इसलिए मुझे कोई शक नहीं है, तमाम मुसलमानों को कोई शक नहीं होना चाहिए, हाँ अपना हिस्सा डालें, नबी पाक सल्लम की शान में कोई घट नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं कर सकता, जुरत ही नहीं किसी की, नबी की शान की हिफाजत का जिम्मा तो मेरे अल्लाह ने उठाया हुआ है। हाँ ये है, कयामत के रोज हम शर्मिंदा होंगे,
ना लिवाए हमद के नीचे जगह मिलेगी, ना हौसे कौसर से जान मिलेगा, तो कैसी जिंदगी होगी वहां की जो अपनी जिंदगी है, यहाँ की जिंदगी तो गुजर जाएगी। अल्लाह करीम हमें सोचने समझने और अमल करने की तौफीक अता सर। लास्ट में सिर्फ ये मुल्की हालात, यानी हमारे जिस तरह यानी जरदारी नवाज शरीफ से चले, कहते हैं कि जान छुटी तो अब इमरान खान साहब आ गए और अदारे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि उनके कांधों पर आए। इस वक्त ऐसे हालात हैं मुल्क के अंदर के इत्तफाक की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, हम बलाओं से और इब्तलाओं से महफूज रखें। लेकिन मेरा एक अपना नजरिया है कि हमारे जो हुक्मरान रहे हैं पाकिस्तान के पिछले 7-7 दहाइयों में, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बड़ी सिंगुलर कॉन्टेम्प्ट का इजहार किया है। जो हमारे हाउसेज हैं, पार्लियामेंट हाउसेज हैं, तो हमें असम्बली होती थी, सेनेट होती थी, जो मिलिट्री हुक्मरान थे वो तो जाते नहीं थे, कभी एक तकरीर के लिए चला गया, जो सिविलियन हुक्मरान है आपने देखा वो भी नहीं जाते, और इलेक्टेड हुक्मरान से भी तल्लक बहुत कम रखते हैं, एक वो सर्कल है। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा ही है तो उन्हें सब जोड़ के बैठ जाना चाहिए, निज़ाम भी तब्दील कर लें, फिर ऐसा निज़ाम ले आए कि जिसमें जरूरत ना हो इस चीज की, जिसमें डायरेक्ट बोर्ड से कोई बंदा इलेक्ट हो। और लेकिन ये है कि जहां एहतसाब नहीं होगा, जहां उम्र फारूक को एक बद्दू कह सकता है कि ये चादर कहां से आई है, वहां आप ये नहीं कह सकते कि जी ये कर्ज मैंने नौकर से ले लिया, ये फलां से ले लिया। वहां तो उम्र फारूक बेटे को कहते हैं कि गवर्नर से कैसे कर्ज लिया, गवर्नर से पूछते हैं तू सबको कर्ज देता है कि सिर्फ मेरे बेटे को कर्ज देता है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे हुक्मरान भी सोचें कि वो जिन फुटमैट्स के ऊपर चल के आते हैं, जिनको फुटमैट समझते हैं, जिनको वो रनर समझते हैं, जिनके ऊपर पांव रखकर आते हैं, जो ही इकदार के संघासन में विराजमान होते हैं, उन आवाम को भी भूल जाते हैं, उन कुर्बानियां देने वाले साथियों को भी भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये चंद दिनों की बात है, 5 साल 3 साल 2 साल कोई नहीं है, फिर वही बात है। और आवाम को भी चाहिए कि पहचानना शुरू कर दे ऐसे लोगों को, पहचानना शुरू कर दे ऐसे ऐसे लोगों को जो हुक्मरान नहीं होते तो मुख्तलिफ होते हैं, हुक्मरान बनते हैं तो आका बन बैठते हैं, खुदा बन बैठते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दिए जाना चाहिए। थैंक यू सर, क्योंकि मुल्क की बात किसी और दिन रख लेंगे कि हमारी गुड गवर्नेंस के हवाले से। बाकी चूंकि रमजान था तो मैंने कहा कि वो बदर का वाकया भी है, आपने लिखा भी हुआ था, मक्का का था, मैंने कहा थोड़ा सा ये अपने दोस्तों के साथ चले, बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। बहुत सारी दुआएं मेरे सबके लिए, नेक तमन्नाएं तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। अल्लाह करीम हम सबको अपनी अमान अता फरमाए, महफूज रखे तमाम गुनाहों से, बलाओं से, इब्तलाओं से, इम्तिहानों से, शैतानों से, और हम सबको ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन।